बच्चों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस मदर सुहाग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में विषय इतिहास अध्याय 4 में दीर्घ प्रश्न लिखाने जा रहे हैं, जिसके आंसर आपको ईमेल द्वारा भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको केवल समझाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, पहला नंबर, सन 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे। प्रश्न एक, सन 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे। जो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके राजनीतिक कारण थे, अनेक कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक। तो इसमें राजनीतिक कारण हमको बताना है। राजनीतिक कारण क्या था कि ब्रिटिश शासकों की विजय तथा अधिकार करने की नीतियों ने, जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी अधिकार करने की, वह एन केन प्रकार एन वाली नीति, किसी भी तरह किसी भी राजा का राज्य हड़पना उनकी नीति बन गई थी, जिसके कारण भारतीय शासक वर्ग उनसे नाराज हो गया था। यही नहीं कि भारतीय शासक केवल नाराज हुआ हो, भारतीय जनता भी नाराज हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता का अगर प्रिय शासक मुसीबत में आ जाता था तो जनता भी राजा के साथ होती थी और वह भी अंग्रेजों से नाराज हो गई थी। भारतीय लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित किया अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति ने। एक एक करके विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के कारण, जब धीरे धीरे से अनेक राजा राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया, तो उन राज्यों के जो मंत्री दरबारी अधिकारी आदि थे और सैनिकों की नौकरियां छिन गई। जो दरबारी होते थे, सैनिक होते थे, उनको हटा करके अंग्रेज अपने सैनिक रखते थे, अपने विश्वस्त रखते थे, तो उनकी नौकरियां छिन गई, उनकी आजीविका का भी अन्य कोई साधन शेष नहीं रहा। राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात अपनाई गई नीतियों ने औपनिवेशिक सरकार के हितों का ही संरक्षण किया। उसके बाद जब राज्य हड़प नीति अपना ली गई, राज्य हड़प ली गई, राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात 1857 ईस्वी में जब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया, उसके बाद भी जो है भारतीय जनता की का भला नहीं हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता और यहाँ के शासक वर्ग आदि सभी नाराज थे। यही राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह का। तो अब आप जो है दूसरा नंबर देखिए, प्रश्न सेकंड देखिए, 1857 में विद्रोह का क्या स्वरूप था, इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष क्यों समझा जाता है। 1857 के विद्रोह का क्या स्वरूप था।
ठीक है ना। तो जो इसका स्वरूप था उस स्वरूप की बात करते हैं। 1857 के क्रांति का क्या स्वरूप था, जो विद्रोह हुआ था, तो उस समय जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप सीमित था और उसमें जो है क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफर, जो एक कमजोर सम्राट था, उसको सम्राट घोषित कर दिया गया था। परंतु वह केवल दिल्ली में ही सीमित था, सभी लोग उसको अपना सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। कानपुर में नाना साहब थे। ग्वालियर में नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे विद्रोह का की बागडोर संभाले हुए थे। बिहार में कुंवर सिंह थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके पति के दोस्त अहमदुल्ला, ये दोनों ने बागडोर संभाल रखी थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग नेतृत्व तो करता थे और यह एक सैनिक विद्रोह था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। यह संग्राम जो है विद्रोह अपनी तिथि से पहले, निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, जिसके कारण ये व्यापक रूप से फैल पूरा नहीं हो सका और यह संपूर्ण भारत में भी नहीं, इसका विद्रोह था। तो इसका जो स्वरूप था वो सीमित था, इसीलिए इस विद्रोह का दमन हुआ और ये सैनिक विद्रोह था इसलिए, और जनमानस भी इसके साथ था, किसान भी इसके साथ थे, शासक वर्ग भी इसके साथ थे, तो सभी लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। यही सेकेंड नंबर का आंसर। ठीक है, थैंक यू।